राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान को उनके आवास पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान को उनके आवास पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री और एलजेपी नेता रामविलास पासवान को उनके आवास पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद भी किया। सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर सीएम ने बुलाई अहम बैठक, शाम 6 बजे सीएम आवास पर होगी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक। सीएम योगी की बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिदायत, कहा दंगों के सरपरस्तों से रहे सावधान, विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की जरूरत। पीलीभीत के थाना ड्यूरिया कोतवाली क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। गांव का रहने वाला आरोपी युवक धर्मेंद्र ने बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मेरठ में ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना सिराज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। रेलवे रोड थाना इलाके के जमुनिया बाग के पास मुठभेड़ हुआ है। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद, 200 से ज्यादा बाइकें कर चुका है चोरी। बुलंदशहर में NH91 हाईवे पर घोड़ा गाड़ी की रेस, दो घोड़ा गाड़ी की रेस का वीडियो वायरल। महामारी एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, बिना अनुमति हाईवे पर रेस कराने का मामला दर्ज। गोंडा जेल रोड के 220 पावर हाउस में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया गया है। बिजली कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना पुलिस ने जासूस पीयूष शुक्ला को गिरफ्तार किया है। क्लोन चेक लगाकर बैंक से 1,25,000 रुपए की जालसाजी की लखनऊ में की गई। गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है, जिसके बाद साइकिल सवार ने बाइक सवार को कई थप्पड़ भी जड़ दिए। गाजियाबाद के सियान गेट थाने के लोहिया नगर में विधायक अजीत पाल के मामा नरेश त्यागी की हत्या कर दी गई है। मुराद नगर विधायक के मामा को बदमाशों ने 7 गोलियां मारी है। मॉर्निंग वॉक पर घर से निकले थे नरेश त्यागी। गाजियाबाद में फौजी की गोली लगने से मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू विवाद के चलते की गई थी हत्या। सुल्तानपुर के सदर तहसील परिसर से स्टंप विक्रेता का बक्सा गायब हो गया। सीसीटीवी में बक्सा ले जाते 2 चोर हुए हैं कैद। बक्से में रखा था करीब 1,00,000 रुपए। केदारनाथ के लिए आज से 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भी भर दी है। सभी कंपनियों को धाम के लिए 50 से 60% बुकिंग मिल चुकी है। गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, जामू फाटा और बड़ासू हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए सुबह 6 बजे से उड़ान भी भरी। एसओपी के अनुसार हेली सेवा के केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। अब कपाट बंद होने तक धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जारी रहेगी। केदारनाथ धाम से ज्यादा श्रद्धालु भी पहुंच सकेंगे और केदारनाथ के लिए एरो एविएशन, पिनकल, चिप्सन, क्रिस्टल, जुल्की और हिमालयन समेत 8 हेली कंपनियां भी उड़ान भरेंगी। देश में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में आए हैं 70,824 नए केस। कोरोना संक्रमित की संख्या 69,03,000 के पार हो चुकी है। कोरोना से अब तक 1,06,000 से ज्यादा लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,133 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमित की संख्या 4,27,000 के पार। कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में 400 संक्रमित मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 53,000 के पार हो गया है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 700 से अधिक हो गई। देहरादून में 70, चमोली में 64, नैनीताल में 58, उधम सिंह नगर में 32, उत्तरकाशी में 23 कोरोना के मरीज मिले। आईपीएल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रनों से मात दे दी है। 202 रनों के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम 16.5 ओवर में 132 रन पर ही सिमट गई। पंजाब की ओर से निकोलस पूरल ने 37 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली। इसके अलावा पंजाब का कोई भी बल्लेबाज चल नहीं पाया।
हैदराबाद के लेग स्पिनर राशिद खान ने चार ओवरों में महज 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए। खलील अहमद, टी नटराजन ने भी 2-2 विकेट अपने नाम किए। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तीसरी जीत के साथ अंक तालिका में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। ये उनका छठा मैच था।